छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संसदीय कार्य मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8,879,01,49,000 रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7,387,66,32,000 रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 1,049,08,90,000 रुपए, पर्यटन के लिए 218,04,40,000 रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 90,50,39,000 रुपए, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व के लिए 49,20,00,000 रुपए और राज्य विधान मंडल के लिए 84,51,18,000 रुपए की राशि शामिल है। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में 33,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्यात 2,524 पद, शिक्षक के 8,194 पद और सहायक शिक्षक के 22,341 पद शामिल हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 4,200 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इनमें प्राध्यापक के 595, सहायक प्राध्यापक के 2,150, क्रीड़ा अधिकारी के 130, ग्रंथपाल के 130 एवं तृतीय श्रेणी के 350 और चतुर्थ श्रेणी के 930 पद शामिल हैं। इन्होंने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्देश्य अच्छा था, परंतु उसकी व्यवस्थाएं खराब थी। हम हर स्कूल में एक सेक्शन अंग्रेजी का पहली क्लास से 12वीं क्लास तक करेंगे। अगर वहाँ पर 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा, अगर 2 सेक्शन है तो एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे कर हम 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से दोनों पढ़ाई साथ साथ होगी। उसके लिए हमें नए शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करनी होगी, उसके लिए हमें नई बिल्डिंग भी नहीं बनानी होगी, और इसके लिए इन्होंने जैसा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार किया है वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम रोकेंगे।